फोन करते हैं सर, सर देखो मतलब मालूम है आपको, 100 में से सिर्फ 60 लोग वोट करते हैं, उनमें से 15-20 लोग तो प्रमोट बेचते हैं, कुछ शराब के ऊपर, कुछ आटे के ऊपर, कुछ दाल के ऊपर और कुछ पैसों के ऊपर। बिल्कुल सही बात। और अगर वो अपना वोट बेचना बंद नहीं करेंगे या किसी सही उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तो तब तक देश में बदलाव कैसे आएगा, इस सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा? बहुत सही बात है, बहुत सही बात। जो 60 में से 40 लोग को वोट करने जा रहे हैं ना, सर जी आपको गलतफहमी हुई है, जो 40 लोग है ना उनमें से 15-20 लोग पार्टीबाजी और धर्म के लिए वोट करते हैं, ना कि देश के लिए। अगर वही लोग देश के लिए वोट करेंगे तो तभी राजनीति में बदलाव आएगा और इस सिस्टम में बदलाव आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। आपके मुताबिक तो जो सिर्फ 20 लोग बचे न्यूट्रल वोट करने वाले, तो फिर देश में बदलाव कैसे आएगा? देखिए मैंने कहा था 60% लोग वोट करते हैं, उनमें से 40 लोग वोट करने ही नहीं जाते। ओ तेरी। वो वोट के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। ओ, कुछ अपने नानी के घर चले जाते हैं, कुछ मासी के और कुछ स्टेशन पर चले जाते घूमने, वो वोट के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। सही है। वो सोचते हैं कि हमारे अकेले वोट करने से कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा, इसलिए वो वोट करने ही नहीं जाते। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जी, बिल्कुल करेक्ट। अगर वोट नहीं कर रहा तो नोटा बटन दबाओ, नन ऑफ दिस अबव, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। सही है, सही। डन सर, डन डन। 60% लोग वोट करते हैं, 60% मतलब मालूम है आपको, 100 में से सिर्फ 60 लोग वोट करते हैं, उनमें से 15-20 लोग तो प्रमोट बेचते हैं, कुछ शराब के ऊपर, कुछ आटे के ऊपर, कुछ दाल के ऊपर और कुछ पैसों के ऊपर। बिल्कुल सही बात। और अगर वो अपना वोट बेचना बंद नहीं करेंगे या किसी सही उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे तो तब तक देश में बदलाव कैसे आएगा, इस सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा? बहुत सही बात है, बहुत। जो 60 में से 40 लोग को वोट करने जा रहे हैं ना, सर जी आपको गलतफहमी हुई है, जो 40 लोग है ना उनमें से 15-20 लोग पार्टीबाजी और धर्म के लिए वोट करते हैं, ना कि देश के लिए। अगर वही लोग देश के लिए वोट करेंगे तो तभी राजनीति में बदलाव आएगा और इस सिस्टम में बदलाव आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। आपके मुताबिक तो जो सिर्फ 20 लोग बचे न्यूट्रल वोट करने वाले, तो फिर देश में बदलाव कैसे आएगा? देखिए मैंने कहा था 60% लोग वोट करते हैं, उनमें से 40 लोग वोट करने ही नहीं जाते। ओ तेरी। वो वोट के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। ओ, कुछ अपने नानी के घर चले जाते हैं, कुछ मासी के और कुछ स्टेशन पर चले जाते घूमने, वो वोट के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। सही है। वो सोचते हैं कि हमारे अकेले वोट करने से कौन सा बड़ा बदलाव आ जाएगा, इसलिए वो वोट करने ही नहीं जाते। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट जी, बिल्कुल करेक्ट। अगर वोट नहीं कर रहा तो नोटा बटन दबाओ, नन ऑफ दिस अबव, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। सही है, सही। डन सर, डन डन।